बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। ईस्ट है, मैंने इसको राइस कर लिया है। नीम गर्म पानी लिया है, इसमें 1.5 टीस्पून मैंने चम्मच चीनी डाली है और 1 टीस्पून मैंने ईस्ट डाली है। ये देख सकते हैं मैदा है, वो छना हुआ है। अब मैदा डालेंगे, मैदा आप लेवल करके डालिएगा। मैदा छाना हुआ है पहले ही। मैदा 2 कप है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, चुटकी एक। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसे बना लेंगे, इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। ईस्ट हम डाल लेंगे इसमें, डो हमने गूंद ली है। इसको हम ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आप किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा, मैं ओवन में रखूंगी। ओवन को मैंने गर्म कर लिया पहले ही। डो देखें कितनी सॉफ्ट है। अब मैं इसे कवर करके ओवन में रख दूंगी। फर्स्ट स्टेप हमने पिज़्ज़ा की डो बना लिया, सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन हो गया, अब हमने ये क्यूब कटिंग की थी चिकन की, वो डालेंगे। इसको हम थोड़ा वाइट करेंगे, इसको जरा हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। बस धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम हॉट सॉस डालेंगे। थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, थोड़ी सी हम इसमें केचप डालेंगे। थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये देखें रेडी हो चुके हैं। अब दो देखें हमारी रेज हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस मेरी मम्मा बताएंगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने अच्छे तरीके से डो सारी हमारी तैयार हो रही है। इसको थोड़ा सा हम गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो खला वगैरह है वो फिल हो जाए और ये अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बन सके। इस प्रोसेस पे ये हाथों को बिल्कुल नहीं चिपटेगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डो तैयार हो गई है। अब हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये इसके 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। आप ना शेफ़ को यूज़ किया करें साफ करके, ये बेहतरीन जगह होती है कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की। अगर घर में कोई बच्चे वगैरह या कोई शेल्फ पे नहीं चढ़ता तो बेहतरीन चीज़ है ये। 1 इंच मोटी जो है वो हम रोटी जो है वो इसकी बना लेंगे पिज़्ज़ा की। ये देखें
पिज़्ज़ा की रोटी हमने बेल ली है। इसके पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब इसके अंदर हम जो ये रोटी बेली है इसको रखेंगे। ये देखें, इसको अब बाकी काम कुछ हाथ से अच्छी तरह फैला देंगे। पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये अगर ओवन नहीं है तो आप इसको कुकर में रखें हल्की आंच पे, कुकर में भी बन जाएगा। कोई भी काम जो है वो बिल्कुल ये सिंपल, अगर आप डो नहीं बनाना चाहते या डो बनाना मुश्किल लगता है तो नान वालों की दुकान से आप दो पेड़े लें उससे और उसका पिज़्ज़ा बना लें। ज़्यादा मतलब मुश्किल आम लोगों को डो ही लगती है। अब ये रोटी बन गई है, अब इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसके अंदर हम कट लगा लेंगे ताकि ज़रा जो सॉस या चीज़ें हम डालें उसका टेस्ट अंदर तक चला जाए। पिज़्ज़े में जो मर्ज़ी आप डाल लें, कीमा डाल लें, तिक्के, जो भी आपको पसंद है, जो भी बच्चे आपके शौक़ से खाते हैं उसमें डाल के उसको बेक कर लें। चीज़ ज़्यादा बच्चों को पसंद होती है, चीज़ डाल लें। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आप केचप डाल लें। हर चीज़ का जो घर में लेडीज़ काम करती हैं उन्हें पता है हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट घर में ही निकल आता है, एक ही जगह दूसरी चीज़ अवेलेबल होती है हर किसी के किचन में। हाँ जी, अब इस पे हम टिक्का डालेंगे। पहले चिकन जितना आपने डालना है डाल लें, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल लें, कम डालना है कम डाल लें, आपकी अपनी पसंद है। चिकन को भी अपने टेस्ट से बना लें, सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है सारे मसाले वगैरह डालें। आप इसमें सिंपल मसाले डाल के और इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें, वो टिक्का बन जाएगा। और मसाले नहीं है तो टिक्का मसाला सिर्फ डाल के उसको थोड़ा सा भून लें, वो आपका टिक्का बन जाएगा। ये मैंने टिक्का डाल दिया है। हाँ जी, अब इसमें हम शिमला मिर्च और ये टमाटर ऐड कर लेंगे। हर चीज़ आपके अपने ऊपर होती है किस में कितनी चीज़ आप क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा या कम, पेट भरना चाहिए बस। टमाटर ऐड कर रही हूँ। हेल्दी बनाएं इसको, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये मैंने टमाटर और शिमला मिर्च डाल दी है। मैं इसमें कॉर्न भी डालूंगी क्योंकि कॉर्न जो हैं वो सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो पिज़्ज़ा में कॉर्न भी डालूंगी ताकि कम से कम एक हेल्दी मील जो है वो सबको मिल सके। ये देखिए कॉर्न, अब और क्या रह गया। हाँ जी, इसमें हाँ जी ये मशरूम है, ये मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बाज लोगों को इससे एलर्जी भी होती है वो ना डालें। मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी, इसमें थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूंगी। थोड़ी सी हॉट सॉस डालूंगी।
अब इस पे चीज़ ज़्यादा कम, जितनी बच्चे तो वैसे ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ये फ्रिज से पहले निकाल ली थी इसलिए थोड़ी नरम हुई हुई है, अगर फ्रिज से ना निकालें तो ये इतनी नरम नहीं होती, आसानी से ग्रेड हो जाती है। मैं चीज़ थोड़ी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है सारे बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद है। देखिए अब इसमें हमने सारा कुछ डाल लिया है, अब इसको मैं ओवन में रखूंगी, और अगर कुकर में बनाना है, ओवन नहीं है घर में, तो उसको कुकर को पहले गर्म कर लें, चूल्हे के ऊपर रख के प्री हीट कर लें जिस तरह हम ओवन को करते हैं, और फिर उसके अंदर कोई जाली रख के, तो आप ऐसे करें उसको जो है पिज़्ज़ा रख लें, आधे घंटे बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा पक गया है कि नहीं पक गया। और जो ओवन है वो तकरीबन सबको जो यूज़ करते हैं उनको पता ही है कि 180 पे रख के 10 मिनट के लिए लगा दें, फिर उसको चेक कर लें। इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, ओरिगानो, वो अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसको बेक करने के लिए रख देंगे, उतनी देर में मैं दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लूँगी, उसमें भी यही सारा जो है हम करेंगे और वो हम फिर बेक कर लेंगे। चले अब आपको ओवन में रख के फिर दिखाते हैं। प्री हीट कर लिया था ओवन को, एक पिज़्ज़ा रख दिया है, दूसरा पिज़्ज़ा रखेंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट देंगे बेक होने के लिए। देखिए एक पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है 10 मिनट में तकरीबन, तो ये देखिए इसकी डो कितनी सॉफ्ट है, अभी ताज़ा ताज़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए कितनी सॉफ्ट डो है इसकी, और 10 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इंतज़ार की जहमत से भी बचें, घर में बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं।